नमस्कार, मैं आशीष झा, आप सभी का पब्लिक वॉइस एंड डे टू शेयर में हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले बता दूं, हमारा दादरा नगर हवेली जो प्रदेश है, औद्योगिक क्षेत्र है, यहां पर जो है यूपी बिहार के साथ साथ यहां के जो मूल आदिवासी लोग हैं वो कंपनी में जो है काम करते हैं। ऐसे में बता दूं, यहां पर कितने सारे लोग मेरे पीछे देख सकते हो। ये कंपनी जो आपको बता दूं, ऑल टाइम प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड के जितने भी कर्मचारी है इस वक्त जो है वो सब रोड पे निकल चुके हैं कंपनी की समस्या को लेकर। सारे आप देख सकते हैं मेरे बगल में इतनी सारी महिलाएं भी आदिवासी जो है यहां पर मौजूद है, जो कि सुबह से खड़ी है कंपनी की समस्या को लेकर। सबसे पहले बता दूं, यहां के से बात करते हैं कि किस तरीके की समस्या को लेकर यहाँ पर वो लोग मौजूद हैं। इतने लोग यहाँ पर कंपनी में स्ट्राइक किए हैं, क्या है आपकी समस्या? हमारी समस्या ये कि हम लोग पुराने वर्कर, हमारा सैलरी भी एक तो कम है और नए लोगों को भर्ती कर रहे हैं कंटिन्यू, और हम लोग को मतलब ब्रेक दे रहे हैं। तो इतनी सारी महिलाएं भी जो है बाहर खड़ी है, उनकी क्या समस्या है? हम लोग को नाइट करना पड़ेगा, उन लोगों को नाइट करना नहीं है, वो नाइट करवा रहे हैं। तो कंपनी द्वारा उनको नाइट ड्यूटी करवाया जा रहा है, महिलाओं को नहीं करना है, करना नहीं है इसके लिए। तो कंपनी के प्रबंधक कोई आए अभी यहाँ तक? नहीं, कोई नहीं। पूरे लोग कंपनी के बाहर खड़े स्ट्राइक करे, क्या है पूरी समस्या? पूरी समस्या यही है कि सबको एक समान देखा जाए, किसी को 450 है, किसी को 350 है। आदिवासियों लोग को 350 क्यों और बाहर वाले लोग को 450 क्यों, ये जानना है। मैंने बोल रहे हैं महिलाओं को जो है नाइट में बुला रहे, महिलाएं लोग नाइट में आएंगे तो कैसा चलेगा, लड़के लोग कहाँ जाएंगे, उन लोग कब काम करेंगे, उन लोग का शिफ्ट भी चेंज कर देते हैं। ये थे इनकी समस्या जिन्होंने बताया किस तरीके से महिलाएं को जो है नाइट ड्यूटी में बताया जा रहा है, और जो पेमेंट को लेकर भी काफी गंभीर इनकी समस्या नजर आ रही है। ऐसे में महिलाएं से हम बात करते हैं, कितने तादाद में देख सकते हो महिलाएं यहाँ पर मौजूद है, महिलाएं से बात करते हैं कि उनका भी इस विषय में क्या कहना है। तो आपको कंपनी द्वारा नाइट में बुलाया जाता है? नाइट में लेडीज लोग आते हैं, हम लोगों को टॉर्चर करता है, हम लोगों को नाइट में टॉर्चर करते हैं, हम लोग को टॉर्चर करते हैं, तुम लोग भी आओ। हम कंपनी द्वारा महिलाओं को नाइट में बुलाया जाता है। जिस तरीके आपने सुना होगा कि यहाँ के कर्मचारी ने अपनी समस्या ऐसे बताई, इसमें दूसरी तरफ आपको बता दूं, आदिवासी नेता प्रभु टोकिया जी और साथ में मामलादार जो है इस कंपनी के जो प्रबंधक थे उनसे बात की, उसके बाद हम पूछते हैं प्रभु टोकिया जी की उनका इस विषय में क्या कहना है। जिस तरीके से पूरे आदिवासी अधिकतर इस कंपनी में काम करते हैं और यहाँ पर जो उनके सारे जो है तकलीफ यहाँ पर उनके समझ आई है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो आज का मामला जो ऑल आउट कंपनी को हुआ है, जो यहाँ पर हमारे कुछ यहाँ पर जो हमारे स्थानीय कार्यकर्ता है नवीन भाई और सतीश भाई करके, उनका संदेश आया कि प्रभु ऐसा ऐसा करके यहाँ पर इश्यू हुआ है, तो फिर वो इनकी इच्छा थी कि आप भी आ जाओ तो अच्छा रहेगा सर। तो मैं चर्चा की भाई ठीक है, मैं भी 10,000 तक पहुँचता हूँ। उससे पहले मैंने यहाँ पर कुछ लॉ एंड ऑर्डर वायलेशन नहीं हो तो मैं तत्काल इसके बारे में माननीय जो हमारे एजुकेट मजिस्ट्रेट है मामलदार महोदय को इसकी जानकारी दी कि आप सर वहाँ तत्काल पहुँचे, वहाँ पर ऐसा ऐसा माहौल हुआ है ताकि कोई लॉ एंड ऑर्डर वायलेशन नहीं हो। दूसरी बात कि आज दादरा नगर हवेली में यही नहीं, प्रत्येक कंपनियों में कंपनी वालों की जो सेट लोगों की, इनकी जो बॉस की है, दादागिरी बढ़ती गई है। यहाँ हमेशा लोकल और स्थानिक लोगों का अन्याय किया जा रहा है, बहुत स्टाइल चलती है इनके, भाई लोकल हो स्थानीय है तो भर्ती नहीं है। ये आज ये पहली बार मामला नहीं है, ये कई बार मुझे जानने को मिला है कि बाहर से जो समाज का नौकरी करने आ रहे हैं उनके लिए अलग सैलरी पैकेज है, यहाँ हमारे जो स्थानीय लोग है, युवा है, युवती है, उनके लिए अलग पैकेज है। यहाँ मुझे बहुत सारी समस्या भी मिली, जो मैनेजर है या जो स्टाफ उनका बहुत प्रताड़ित करता है, 7 बजे की ड्यूटी होती है तो 6 बजे बुलाते हैं, फिर अगर 2 मिनट लेट हो गया तो उनको वापस दोबारा भेजा जाता है। तो ये जो है तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की मनमानी है। हम ये कह रहे कि बाजू में हिंदुस्तान लीवर कंपनी है, वो इतने रूल्स नीति नियम से चलती है, तो ये बाजू में ये कंपनी जो ये भी इनको नीति नियम चलने चाहिए, क्योंकि वर्कर बाहर के हो यहाँ को हो इक्वलिटी सबको, लेबर लॉ के तहत सबको जो भी कायदे कानून है वो प्रोविजन के हिसाब से इनको सैलरी मिलनी चाहिए। लेकिन कई कंपनियाँ लेबर कॉन्ट्रैक्टर को जो कमीशन होता है वो, और कमीशन के साथ साथ में कंपनी के मैनेजमेंट का भी उसमें कमीशन होता है, और वर्करों का शोषण करके ये सब सारी चीजें की जा रही है। तो इस तरीके से अधिकतर महिलाएं भी मौजूद है जिनका कहना है कि उनको रात में जो है कंपनी में बुलाया जाता है, इसके विषय में आपका क्या कहना है? पूरे दादरा नगर हवेली में अभी तक यहाँ पर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं आया है कि किस कानून के तहत ये लोग रात्रि का जो महिलाओं के लिए किया जा रहा है उसके लिए क्या क्या सुरक्षा की गई है। वैसे ही दादरा नगर हवेली में स्थानीय महिलाओं के साथ बहुत ही अन्याय हो रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनका शारीरिक शोषण हो जा रहा है, मानसिक शोषण हो किया जा रहा है। ऐसे माहौल में ये रात्रि में जो ड्यूटी का ये जो शुरू किया है, हम प्रशासन भी उसमें जाना चाहेंगे, और हमने माननीय मामलेदार महोदय किया कि वे महिलाओं को लेकर उसमें जो नाइट ड्यूटी चालू की है वो कैसे और कौन से प्रोसीजर से चालू की है, उसमें जांच तपास होनी चाहिए और कौन जिम्मेदार है, और ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। अगर ये कह रहे हैं कि भाई पुराने को निकाल कर वापस नए लिए जा रहे हैं, इस जो प्रक्रिया चल रही है, हम ये कह रहे हैं कि जो वर्कर पहले से काम कर रहे हैं उनसे अन्याय नहीं होना चाहिए, और जो भी कायदे कानून के दायरे में हो चीज होनी चाहिए। साथ ही इसको हमने तत्काल मामलेदार महोदय ने मैनेजमेंट को कहा है कि
बॉस को बुलाओ, उसके सेठ को बुलाओ और जो भी उसका उसका हम निराकरण करेंगे। सबको गेट के बाहर निकल जाना पड़ा। उसमें शायद पहली समस्या तो ये है कि एक सिप लेडीज की बढ़ा दिया कंपनी में 11 से 7 रात में। यहाँ नगर हवेली में काफ़ी कम कंपनी में ऐसा चलता है, तो उसकी वजह से वो लेडीज को भी लिया है तो उसका परमिशन से लिया है कि हम लोग नाइट में ही काम करेंगे, वो हिसाब से वो लोग आए हैं। मगर उनके आने से कुछ लड़के लोग को ब्रेक दे रहे हैं, निकाल दे रहे हैं, उनको रोज ज़्यादा देते हैं, उनको कम देते हैं। अभी जो सुबह में लेडीज जनरल में काम कर रहे थे उनको भी ब्रेक दिया गया है। उनको भी कहना ऐसा है कि नाइट शिफ्ट करने से अगर सबको प्रॉब्लम आता है तो ये गलत है। मैनेजमेंट ने भी बोला है कि किसी को ब्रेक नहीं देंगे। सेठ से भी बात हुआ है तो हम लोगों ने ही बोला कि सेठ से एक बार आप लोग मीटिंग करो पूरे वर्कर, और जो भी तुम्हारी समस्या है वो उसको बोलो। तो सेठ ने बुधवार का टाइम दिया है। सेठ बॉम्बे रहता है या फॉरेन में सब माल जाता है तो कहाँ है पता नहीं, मगर वो आने वाला है, सब वर्कर से मीटिंग करेंगे। मैंने ऑलरेडी सेठ से पहले भी बात किया है, मैनेजमेंट से भी बात किया है कि यहाँ नाइट शिफ्ट तो नहीं चलता है, मगर अगर चलता है तो किसी को दिक्कत नहीं आना चाहिए। जो पुराने लोग है पुराने को निकाल के दूसरी से चालू करोगे वो भी अच्छी बात नहीं है। हर बार हम वर्कर के फेवर में खड़े हैं। अभी भी हम वर्कर का भला हो इसी के लिए खड़े हैं और आगे भी भला हो यही चाहते हैं। तो ये थे हमारे स्थानीय नेता प्रभु टोका जिन्होंने बताया कि किस तरीके से कंपनी के प्रबंधक से मिलकर वो और मामलादार साहब जो है जिन्होंने बात किया और कंपनी के प्रबंधक मैनेजर थे उन्होंने बताया कि जल्द ही इनकी समस्या का जो है हल निकाला जाए। ऐसे में बताऊं तो कितने सारे लोग जो है इसमें मूल आदिवासी बहुत सारे लोग हैं जिनका भी यह कहना है कि आदिवासी लोगों को जो है यहाँ पर कम पेमेंट दिया जाता है और बाहर से जो लोग आते हैं उनको ज़्यादा पेमेंट दिया जाता है और साथ ही साथ महिलाओं को जो है रात में बुलाया जाता है। इसमें महिलाएं भी कितना आक्रोश यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ऐसे ही आसपास की खबरों से बने रहने के लिए हमारे चैनल से बने रहे। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल वाले बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब करें। हम तो कोई भी खबर और विज्ञापन को पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर संपर्क करें। धन्यवाद।